मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज दोपहर 12:30 बजे पीसी में सीएम अशोक गहलोत प्रेस वार्ता करेंगे। 39 सिविल लाइन्स स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और अब से कुछ ही देर में यानी कि 12:30 बजे के लगभग ये प्रेस वार्ता शुरू होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई मुद्दों को मीडिया के द्वारा पहुंचाएंगे। आज दोपहर 12:30 बजे पीसी की जाएगी। आपको बता दें सीएम अशोक गहलोत अपने आवास पर ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित कर रहे हैं। 39 सिविल लाइन्स स्थित अपने आवास पर सीएम अशोक गहलोत एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं। आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस वार्ता के जरिए सीएम अशोक गहलोत कई मुद्दों को मीडिया के द्वारा पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। सीएम अशोक गहलोत अपने आवास पर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया से मुखातिब होंगे। सिविल लाइन्स स्थित अपने आवास पर ही आज दोपहर 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद ही हम आप तक पहुंचा सकेंगे। लेकिन चूंकि चुनावी समर चल रहा है, 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब 7वें चरण के चुनाव 19 मई को होने हैं और प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत आज सीएम आवास पर ही 12:30 बजे दोपहर प्रेस वार्ता करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। 39 सिविल लाइन्स स्थित सीएम आवास पर ही इस प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया और इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे ये मीडिया से मुखातिब होने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि राजस्थान में 25 के 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब प्रदेश के मुखिया बाकी राज्यों की सियासत को साधने लगातार प्रचार प्रसार में जुटे थे और आज सीएम अशोक गहलोत अपने सीएम आवास पर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए वन संवाददाता पिंटू सिंह नरुका हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। पिंटू, जिस तरह से आज 12:30 बजे दोपहर सीएम आवास पर ही प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और इस प्रेस वार्ता में उनके साथ कौन कौन मौजूद रहेगा? देखिए ज्योति, बताना चाहूंगा कि सीएम अशोक गहलोत लगातार मीडिया से मुखातिब होते रहते हैं, चाहे कोई भी ऐसा इश्यू हो, चाहे चुनाव की जानकारी हो, चाहे सरकार के कोई फैसले हो। अशोक गहलोत की सबसे बड़ी खासियत रही है कि वो हमेशा मीडिया फ्रेंडली रहे हैं और अपनी कोई भी बात हो, सरकार की हो चाहे संगठन की हो, मीडिया से शेयर करते हैं। प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके और उसके बाद में वो लगातार जो अन्य राज्य है वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। 6 चरण के मतदान पूरे हो गए, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति राजस्थान में कुछ ऐसी स्थिति है, चाहे वो पानी की हो, चाहे अलवर गिंगरेप मामला हो, इन पर भी लेकर आज हो सकता है खुलकर मीडिया से मुखातिब हो कि क्या उन्होंने फैसले, सरकार ने बीते दिन जो बीजेपी लगातार उनको भेजने का प्रयास कर रही थी, इन तमाम इश्यूज पर आज बोल सकते हैं, मीडिया से रूबरू होंगे कि क्या कानून व्यवस्था है, क्योंकि उनके पास गृह मंत्रालय उनके पास है, उन पर भी वो जानकारी दे सकते हैं और सरकार के आगे क्या निर्णय रहेंगे, क्या कार्य रहेगा, पेयजल व्यवस्था किस प्रकार की है, पानी की स्थिति जो है, उन पर भी वो खुलकर बोलेंगे कि सरकार अपने स्तर पर क्या कुछ प्रयास कर रही है। साथ ही संगठन की और जो चुनाव का जो माहौल है उस पर भी मुखातिब होंगे कि अन्य राज्यों में वो जाकर आए हैं तो वहाँ का क्या माहौल है, क्या पक्ष में है, क्या स्थिति है, क्या लिप्स है, वो आज मीडिया से मुखातिब होंगे। जी पिंटू, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार आप हमें इस खबर पर अपडेट करते रहें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने आवास पर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दोपहर 12:30 बजे।